हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेके आया हूँ। एक्चुअली चार नहीं है, तीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है और एक निफ्टी का व्यू, यानी कि टोटल चार चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो आज देखोगे तो अपने पहले निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद तीन स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले वीक में वो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अगर वो लेवल के आसपास आप बाय और सेल कर सकते हो तो। तो उससे पहले गाइज, अपने हर सैटरडे को वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें तीन स्टॉक बताए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो वहां से बाउंस बैक आने के बहुत हाई चांस है और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया होता है इसमें। तो वीडियो किसी ने देखा नहीं तो जाके देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको हर तरह के यहाँ पे ट्रेड मिलते रहेंगे, इंट्राडे ट्रेड मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में भी अपने यहाँ पे बताते रहते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उसके अलावा आप अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे। तो अभी अपने निफ्टी का प्रेडिक्शन पहले करते हैं, आने वाले वीक में निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, उसके बाद तीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक बताऊंगा जो आपको बाय करने हैं, लेकिन कौन से लेवल पे करने हैं वो मैं आपको पूरा वीडियो में समझाऊंगा। तो अभी निफ्टी 50 का मैंने वीकली चार्ट ओपन करके रखा है। तो वीकली चार्ट में अपने एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 में आपको देखना है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि नीचे से यहाँ पे देखोगे तो वीकली चार्ट है निफ्टी 50 का, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था, यहाँ पे भी वीकली चार्ट में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट उसका ब्रेकडाउन हो चुका था। उसके बाद निफ्टी ऊपर गई, लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन था वो अभी रिजेक्शन का काम करता है। अगर आप चार्ट को जूम करोगे तो आपको और समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि निफ्टी का ये जो पहले ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करता था, जैसे ही ये कैंडल आपको दिख रही है, ब्रेकडाउन कैंडल बोल सकते हो, तो उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है वो क्या कर रही है, रिजेक्शन का काम कर रही है। यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ऊपर गई, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद नीचे आ गई और नीचे अच्छे से रेड कैंडल बना के क्लोज दिया है। तो यानी कि आप क्लियर कट आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि निफ्टी ने जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है, और ऊपर से भी आप वीकली चार्ट में यहाँ से डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखोगे तो रिजेक्शन आ रहा है। तो निफ्टी 50 में अभी हो क्या सकता है, तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रेकडाउन हो चुका है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, अगर जितनी बार निफ्टी ऊपर जाएगी तो उसको ये जो ऊपर से डाउन ट्रेंड लाइन आ रही है उसका भी रिजेक्शन आएगा और वहां से नीचे की साइड गिरावट आएगी। और नीचे अभी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको प्रीवियस में जो स्विंग था ये वाला आपको स्विंग दिख रहा है। यहाँ से देखो निफ्टी ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई और उसके बाद ऊपर गई, यानी कि ये वाला स्विंग है वो नेक्स्ट सपोर्ट रह सकता है। तो वैसे आप देखोगे तो निफ्टी में अभी कुछ करने के लायक नहीं, यहाँ पे देखोगे तो एकदम बीचों बीच है। निफ्टी को अगर बेचना है तो ये जो प्रीवियस लास्ट वीक जो हाई मारा था वो रेंज आएगी, वहां पे आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो निफ्टी को आपको वेट एंड वॉच करने का, ये रेंज में आए वहां पे बेच सकते हो और नीचे की साइड फिर से गिरावट आ सकती है, या तो फिर आपको अगर बाय करना है निफ्टी को तो क्या कर सकते हो, ये जो प्रीवियस में जो लास्ट स्विंग लिया था उसका सपोर्ट एरिया के आसपास आया कि निफ्टी, वहां पे आप बाय कर सकते हो। निफ्टी अभी चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर बेचोगे तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक भी आ सकता है तो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आप बाय करते हो यहाँ पे तो क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस नीचे आ सकता है, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस लेवल बहुत दूर है। अगर आप यहाँ पे बेचोगे तो आपका स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पे बहुत दूर है, यानी कि अभी कुछ करने के लायक नहीं। आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। निफ्टी का अभी सीएमपी कितना चल रहा है, 17,412, तो आपको वेट एंड वॉच करना है, 17,700 और 17,800 के बीच में निफ्टी आती है तो वहां पे आपको बेचना है। अदर आपको अगर बाय करना है तो नीचे का सपोर्ट रेंज है वो 16,800 से 16,700 का, ये जो एरिया रहेगा यहाँ पे निफ्टी आएगी तो वहां से बाउंस बैक आ सकता है। तो अभी निफ्टी में आपको फिलहाल कुछ करना नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं गाइस कि हर वीक आपको करना ही करना है। अगर आपको मैंने बोला कि अगले वीक कुछ करना है तो उसका ही मतलब नहीं कि पूरे वीक नहीं करना। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे तो अगर लाइव मार्केट में कोई स्विंग ट्रेड आएगा तो वहां पे अपने निफ्टी में बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन वो लाइव मार्केट की बात है। अभी ये अपने जो प्रेडिक्शन करे वो पूरे वीक के लिए कर रहे हैं कि पूरे वीक में ए लेवल और नीचे का लेवल अहम रहेगा, तो उसके हिसाब से आप पोजिशन बना के रख सकते हो। तो ये निफ्टी का अपना प्रेडिक्शन हो गया।
अभी मैं आपको तीन स्टॉक बताऊंगा जो आपको बाय करने हैं, तो उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा, उषा मार्टिन। उषा मार्टिन को आपको क्या करना है, बाय करना है, लेकिन आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है उषा मार्टिन, ब्रेकआउट एंड रिट्रेस्ट है। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक का यहाँ पे रिजेक्शन था, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, आप इसको बोल सकते हो ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो, और उसके बाद स्टॉक ने नीचे आके रिटेस्ट, जो उसका ब्रेकआउट पहले ही सप्लाई जोन हुआ करता था, इसको आप डिमांड जोन भी बोल सकते हो और आप इसको रिटेस्ट कैंडल भी बोल सकते हो। तो अभी रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर अपने को कंफर्म हो जाएगा कि ये स्टॉक है, ये सेटअप को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए इसके हाई के ऊपर बाय करना है, उसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आपको वेट एंड वॉच करना है कि पहले हाई ब्रेक करे तभी अपने बाय करेंगे और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो उषा मार्टिन का अभी CMP 208.35 है, तो अभी बाय नहीं करना, जो फ्राइडे का हाई था 215 का उसके ऊपर ही बाय करना है, यानी कि आपको 215 के ऊपर बाय करना है, 205 का स्टॉप लॉस लगाना है, 225 से 235 का टारगेट 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो अपना पहला स्टॉक हो गया जो आपको आने वाले वीक में बाय करना है, लेकिन कंडीशनल बाइंग करना है, वो ध्यान में रखना है। गाइज मैंने आपको बोला कि आने वाले वीक में निफ्टी में वीकनेस रह सकती है नीचे की साइड, क्योंकि नीचे की साइड बहुत बड़ी रेंज अभी भी बाकी है, तो नीचे की साइड गिर सकता है, तो उसका ये मतलब नहीं हो गया कि सारे स्टॉक गिरेंगे। आपको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक किया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं निफ्टी के कंपेयर में, तो आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अपना पहला स्टॉक हो गया जो आने वाले वीक में आप बाय कर सकते हो, लेकिन कंडीशनल बाइंग करनी है। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जो आप बाय कर सकते हो। दूसरे स्टॉक का नाम रहेगा एजिस लॉजिस्टिक। इसको आपको बाय करना है 2 घंटे की कैंडल के ऊपर, अपने क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है एजिस लॉजिस्टिक, बाय करने का रीजन क्या है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा था, 2 घंटे में देखोगे तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया रिजेक्शन लिया, फाइनली इसने देखोगे तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाया। इसको आप वॉल्यूम के साथ बोल सकते हो, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, लेकिन कहाँ पे पॉज मारा, उसका जो पहले सप्लाई जोन हुआ करता था ब्रेकआउट कैंडल के बाद क्या हो जाता है, डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। और नीचे से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और स्टॉक यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। और आपको हर वीडियो में मैं बताया हूँ कि जब भी ट्रेंड लाइन डिमांड जोन के अंदर से क्रॉस होती है तो वो क्या होता है, स्टॉक का रिवर्सल पॉइंट होता है। वहां से क्या होता है कि उसको डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलता है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करके ऊपर जाने के बहुत हाई चांस होते हैं। लेकिन अपने रिवर्सल के लिए वेट करेंगे, और जो एक कैंडल के हाई है रिजेक्शन कैंडल, उसका हाई ब्रेक करेगा तभी बाय करेंगे और ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो एजिस लॉजिस्टिक का CMP कितना है, 381 के आसपास है, तो अभी आपको बाय नहीं करना, स्टॉक को 387 के ऊपर जाने देना है तभी बाय करना है, 379 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी 381 है, तो अगर 379 इनके समझो नीचे आ गया, क्योंकि अभी SCX निफ्टी इंडिकेट कर रही है वो 100 पॉइंट नीचे ओपन हो सकती है, तो ये स्टॉक समझो कि 379 के नीचे पहले आ जाता है तो वो अपना क्या हो जाएगा, इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। वैलिड सेटअप के लिए पहले 387 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा तभी वैलिड सेटअप होगा। टारगेट रहेगा 395 से 405 का, टाइम पीरियड 1 से 7 दिन का लग सकता है। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया जो आने वाले वीक के लिए आप बाय करके रख सकते हो। अभी मैं आपको तीसरा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जो आपको बाय करना है, लेकिन वो भी कंडीशनल बाइंग है, वो भी ध्यान में रखना है। तो स्टॉक का नाम रहेगा टेगा इंडस्ट्री। टेगा इंडस्ट्री को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। 2 घंटे की कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है टेगा इंडस्ट्री। बाय करने का रीजन क्या है, रेसिस्टम बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाय एंड डिप विद ADX है। रेसिस्टम बिकम सपोर्ट आपको समझा दिया है, पहले यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, फाइनली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कैंडल के बाद क्या होता है, जो सप्लाई जोन होता है वो क्या हो जाता है, डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे ऐसा ही हुआ, स्टॉक देखो डिमांड जोन में आए लेकिन वहां से रिवर्स मार के अच्छे से ऊपर क्लोज दिया है। और आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिवर्सल पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड जोन के अंदर से ट्रेंड लाइन जब भी क्रॉस होती है और वहां पे स्टॉक आता है तो वो स्टॉक का रिवर्सल पॉइंट होता है, वहां से स्टॉक बाउंस बैक करके ऊपर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। और तीसरा रीजन देखोगे तो बाय एंड डिप विद ADX है। तो अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए ADX और विलियम सर यूज करते हैं। जब भी ADX की वैल्यू 25 के ऊपर होती है, विलियम सर की वैल्यू -80 आती है, तो वो स्टॉक का क्या होता है, लास्ट स्विंग होता है, वहां से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी होता है। लेकिन अपने को ब्लाइंडली ये सेटअप पे भरोसा नहीं करना, अपने रिवर्सल के लिए वेट करेंगे
और जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा तभी बाय करेंगे। तो अभी ये पिछले 15 मिनट की कैंडल बनती है उसको अपने इग्नोर करेंगे, तो उसके प्रीवियस में जो एक कैंडल बनी थी वो पूरे 2 घंटे की कैंडल है, उसके हाई के ऊपर अपने बाय करेंगे और इस कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। और स्टॉक में अगर ये लेवल क्रॉस किया तो अच्छी रैली आ सकती है। तो टेगा का अभी CMP कितना है, 667 है, तो अभी आपको बाय नहीं करना, 673 के ऊपर बाय करना है, 663 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेगा 690 से 700 का टारगेट, 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये लेवल पहले आना चाहिए तभी अपने बस स्टॉक को बाय करेंगे। अगर 663 के नीचे पहले ट्रेड करना चालू करता है और स्टॉक में गिरावट आती है तो अपने क्या करेंगे, स्टॉक को इनवैलिड सेटअप के हिसाब से इग्नोर करेंगे। तो अपना तीसरा स्टॉक हो गया जो आपको बाय करना है, लेकिन कंडीशनल बाइंग है वो भी ध्यान में रखना है। तो गाइज आपको ध्यान से ट्रेड करना है क्योंकि आने वाले वीक में निफ्टी में 200, 300, 400 पॉइंट के नीचे की साइड गिरावट भी आ सकती है, इसीलिए हो सके उतना ध्यान से ट्रेड करना है। और इसीलिए आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको 3 स्टॉक इसीलिए बताए क्योंकि सेलिंग साइड पे अभी कोई स्टॉक नहीं आ रहा, उसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी गिरे हुए हैं, तो अभी बेचने जाते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत दूर आता है, तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पा रहा, तो अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे तो कल अगर लाइव मार्केट में कोई ट्रेड बनेगा तो यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना गाइज। तो गाइज आज की वीडियो में इतने, था वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।